नमस्कार, आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स। तो नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि अगर शनिवार सुबह 11 बजे तक दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता के घर अवैध अतिक्रमण पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आप खुद बुलडोजर लेकर आदेश गुप्ता के घर का अतिक्रमण तोड़ेगी। आपके नगर निगम प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा कि पूरी दिल्ली में बीजेपी ने तबाही मचा रखी है। दिल्ली वालों को उनके लोग धमका रहे हैं कि 5-10 लाख दो वरना घर तोड़ देंगे। गरीबों, अनऑथोराइज कॉलोनियों, जे कॉलोनियों में रहने वालों के घर तोड़े जा रहे हैं, लेकिन एक भी बीजेपी नेता या एमसीडी के कर्मचारी के घर पर बुलडोजर नहीं चला जिन्होंने मिलकर ये सब अवैध निर्माण करवाया है। उन्होंने कहा कि आदेश गुप्ता के घर पर अवैध निर्माण हुआ है, उन्होंने अतिक्रमण किया है, स्कूल की जमीन पर कब्जा करके उन्होंने अपना ऑफिस बनाया है। हमने मेयर और कमिश्नर को आधिकारिक तौर पर शिकायत की है, लेकिन उनकी हिम्मत कार्रवाई करने की नहीं है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी शासित नगर निकायों द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान पर चर्चा के लिए आप विधायक की आज बैठक बुलाई है। बैठक सुबह 11 बजे केजरीवाल के सिविल लाइन स्थित आधिकारिक आवास पर होगी। बैठक में बीजेपी द्वारा अतिक्रमण रोधी अभियान पर की जा रही राजनीति का मुकाबला करने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। इससे पहले शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है और उनसे भाजपा शासित नगर निकायों द्वारा अतिक्रमण रोधी अभियान के नाम पर विध्वंस को रोकने की अपील की है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।